Welcome back to our channel of Little Master Public School. Today I am going to teach chapter number 3 of math subject for the class 4, which is a trip to Bhopal. जिसका half part हमने part number 1 में complete किया था. इस chapter में हम मतलब इस video में हम second part complete करेंगे. Okay? So let's start. लास्ट हम भीमबेटका से निकलने वाले थे. ओके, अब उनका क्या था, लंच टाइम था. क्या था? लंच टाइम. लंच टाइम में वो लोग इच सब अपना अपना लंच कर रहे थे. इच चाइल्ड इज टू बी गिवन वन ऑरेंज. एक बच्चे को यानी एक एक बच्चे को क्या, एक एक ऑरेंज दिया गया, एक एक बनाना दिया गया और 5 बिस्किट्स दिए गए. ओके, तो ऑल चिल्ड्रन सभी बच्चों ने ऑरेंज लिए, बिस्किट लिए, लेकिन जो 38 चिल्ड्रन थे उन्होंने बनाना नहीं लिए. ओके, तो आपको यहाँ पे बताना है कि ऑरेंज बिस्किट और बनाना कितने बांटे गए. ओके, तो देखो ऑरेंज जो स्टूडेंट कितने थे, 210. ओके, तो 210 बच्चों ने ऑरेंज लिए, 210 बच्चों ने बनाना लिए, और सॉरी बनाना 38 बच्चों ने नहीं लिए. तो आपको क्या करना है, 210 में से 38 बच्चों को हटा देना है. ओके, तो हटा दोगे तो कितने बच्चे मिलेंगे, 172. तो 172 बच्चों ने ही सिर्फ बनाना लिए, 38 बच्चों ने नहीं लिए. और जो बिस्किट से वो कितने बच्चों ने लिए हैं, कितने, 210. ओके, तो आपको बताना कितने बिस्किट बांटे गए. तो 210 बच्चों को 5 बिस्किट्स बांटी गई. ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1050. ओके, 1000 बिस्किट्स 210 स्टूडेंट्स में बांटी गई. ओके, नाउ मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास द टाइम. और मंजीत और भानु क्या करते हैं, अपने फटाफट लंच फिनिश करके वो लोग अपना टाइम पास करने लगते हैं. कैसे, पजल्स गेम खेल कर. ओके, तो मंजीत बोलता है कि ऐसा नंबर बताओ जो एग्जैक्ट 100 और 150 के बीच में आता हो. ओके, जब भी आपको एग्जैक्ट नंबर की बात की जाए तो आप क्या करोगे, जो भी गिवन नंबर हो, जो भी टू गिवन नंबर हो, आपको उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है. तो फर्स्ट ऐड करोगे 100 प्लस 150. ओके, ऐड करना है 150 को, तो ऐड करोगे तो आएगा 250. अब 250 को मैंने क्या कहा, 2 से डिवाइड करना है. तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10. ओके, तो मतलब एग्जैक्ट जो नंबर है सेंटर का वो क्या आएगा, 125. ओके, नाउ यहाँ पे लोग कुछ गेम खेल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं. देखो क्या है, ए आई गेव 4 टॉफीज ईच टू 4 ऑफ माय फ्रेंड्स एंड 3 टॉफीज आर लेफ्ट विद मी, हाउ मेनी टॉफीज डिड आई हैव. उसके जो 4 टॉफी थी उसने 4 स्टूडेंट थे. ओके, 4 टॉफी थी, 4 स्टूडेंट थे, सॉरी 4 फ्रेंड्स थे. ओके, तो उसने जो 4 टॉफीज में से 3 टॉफी बांट दी. ओके, तब उसके पास कितनी बची, 4 में से अगर आप 3 टॉफी दे देते तो कितने बचेगी आपके पास, 1. ओके, नाउ जो बी है उसमें क्या है, व्हाट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 3, 5 एंड 7. यू कैन मेक 357 एंड 537. व्हाट अदर्स, देखो आप ये 3 नंबर्स 3, 5, 7 को मिला के कौन कौन से नंबर बना सकते हो, आपको ऐसा पूछा गया. तो देखो 3, 5, 7 तो बना दिया और 5, 3, 7 में, तो 7, 3, 5 और 7, 5, 3 भी बन सकता है. ओके, नंबर्स को आगे पीछे पुट करके आप कोई भी नंबर्स बना सकते हो. सी ए नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज बाय 8, व्हाट इज द नंबर. ओके, अगर आप एक नंबर मतलब सपोज 8 लिया नंबर, उसमें अगर आप 8 भी ऐड करोगे तो क्या आता है, 16 आता है. अगर आप सेकंड, अगर इस 8 में आप 2 का मल्टीप्लाई मतलब डबल करते हो तो भी 16 आता है. तो आपका ऐसा कौन सा नंबर, तो 16. ओके, 8 को अगर आप डबल करते हो तो 8 2 16, 8 को डबल किया 2 16. ओके, और वो अगर उसमें आप 8 इंक्रीज भी कर दो तो भी आपको आंसर 16 मिलता है. नाउ डी क्या बोलता है, थिंक ऑफ अ नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5 और कम्स बिटवीन 25 एंड 50. ओके, आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 2, 3 और 5 से डिवाइड होता हो. तो आपको एग्जैक्ट ऐसा नंबर लेना है.
6 10 ओके, मतलब ये जो 30 नंबर है वो हमारा ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ई में क्या बोला गया, अ स्मॉल एंट क्लाइम्स 3 सेंटीमीटर इन 1 मिनट बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर, हाउ मच टाइम विल टेक इट टू क्लाइम टू 2 सेंटीमीटर। ओके, मतलब पहले आपको क्या 3 सेंटीमीटर में से 1 माइनस करना है क्योंकि वो क्या हो जाती है, स्लिप हो जाती है। ओके, तो आपको बताना है 1 सेंटीमीटर में वो 1 मीटर चलती है तो 2 सेंटीमीटर में कितना चलेगी, तो 2 1 2 मतलब 2 सेंटीमीटर में वो 2 मीटर चलेगी। ओके, व्हिच, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हिच बोट डू वी टेक, कौन सा बोट हम लेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टोरी है जिसका दूसरा पार्ट यहाँ पे दिया गया है कि कौन से बोट पर क्या है। ओके, तो देखो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, नेम ऑफ द बोट्स, टिकट प्राइस और टाइम, ट्रिप टाइम, मतलब जो बोट है उनका जो भी टिकट का पैसा है वो है और कितना टाइम लगेगा वो है, ठीक है। तो डबल डेकर में कितना, 30 रुपीज लगेगा और 15 मिनट्स में वो घुमाएंगी, और पैडल बोट में कितना, 15 रुपीज लगेगा और 30 मिनट्स वो घुमाएंगी, मोटर बोट में 25 रुपीज लगेगा 20 मिनट्स घुमाएंगी, बोट विथ ओरस जो 15 रुपीज लेगी और 45 मिनट्स घुमाएंगे। ओके, तो आपको ये बॉक्स के अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, वन बाय वन समझते हैं। इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टूक द ओगर बोट। ओके, तो पहले जो इंदिरा और भानु फर्स्ट किस में जाते हैं, मोटर बोट में जाते हैं, फिर वो किस में जाते हैं, बोट विथ ऑर्स में। हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स, तो देखो और बोट्स और मोटर बोट को आपको कंबाइन करना है, तो उनका प्राइस कितना है, मोटर बोट का 25 और बोट्स का कितना है 15, तो आपको दोनों ऐड कर दो, मतलब उनको बोथ दोनों बोट का कितना अमाउंट पे करना होगा, 40 रुपीज। ओके, हाउ मच टाइम डिड दे गेट, और उनका टाइम कितना लगेगा, तो मोटर बोट में कितना मिनट लगा है, 20 मिनट्स लग रहा है, और बोट में कितना लग रहा है, 45, मतलब दोनों का कंबाइन करेंगे तो 65 मिनट्स लगेंगे, 65 मिनट्स लगेंगे। वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, दे पेड 450 इन टोटल, एक जो ग्रुप है वो 450 रुपीज अमाउंट पे करता है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन फॉर वन दे डबल डेकर, मतलब एक ग्रुप गया है पर उसमें ग्रुप में कितने बच्चे गए हैं ये नहीं बताया गया, सिर्फ बताया गया है कि टोटल अमाउंट इतना उन्होंने पे किया है, तो आप इस तरह अमाउंट पे कर सकते हो। देखो डबल डेकर है, डबल डेकर उसका एक पर्सन का कितना रुपीज है, 30 रुपीज। ओके, तो 30 रुपीज एक पर्सन का है, तो 450 कितने पर्सन का होगा। ओके, तो मैंने क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, 450 × 1/30। ओके, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपको, 15 आएगा। ओके, तो 15 स्टूडेंट्स एक ग्रुप में गए थे, एक ग्रुप में 15 स्टूडेंट्स गए थे, कहाँ पे, डबल डेकर बोट में गए थे। ओके, विच बोट मेक्स 2 ट्रिप इन 1 आवर, 1 आवर में कौन सी बोट 2 ट्रिप करती है। ओके, तो कौन सी, पैडल बोट, क्यों, क्योंकि वो एक ट्रिप कितने 30 मिनट्स में लेती है, तो एक सॉरी हाफ आवर में 30 मिनट्स है, तो सेकेंड हाफ आवर में कितने 30 मिनट्स, तो 30 60, और एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ओके, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, याद रखना। ओके, विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कम्प्लीट अ ट्रिप, हाफ आवर से भी कम टाइम लेती है, कौन, मोटर बोट, क्योंकि देखो उसमें 20 मिनट्स है, बाकी समय देखो 30 मिनट और 30 से ज्यादा है, तो कम कौन ले रहा है, मोटर बोट। विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी, यानी कौन सी ऐसी बोट है जो ज्यादा टाइम घुमाती है पर पैसे कम लेती है, ज्यादा टाइम घुमाती है पर पैसे कम लेती है, तो कौन है ऐसी, देखो बोट विथ ऑल कौन है, देखो कितना 50 रुपीज लेती है लेकिन कितने मिनट घुमाती है, 45 मिनट्स घुमाती है। ओके, अब क्या है, जादो वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग, बोटिंग के लिए 2 बार जाता है, पेड अ टोटल ऑफ ₹40, टोटल कितने रुपीज पे करता है, 40, एंड बोटेड फॉर 50 मिनट्स, और कितने मिनट घूमता है, तो 50 मिनट्स घूमता है। विच टू बोट, उसने कौन सी 2 बोट ली होगी, तो देखो
कितने उसने पैसे पे किए हैं, 40। तो देखो 40 किसमें आ रहा है, 15 प्लस 25 करोगे तो 40 मिलेगा, 15 प्लस 25 मतलब 40। ओके, अब 30 मिनट्स और 20 मिनट्स, तो 50 मिनट्स होगा, मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी बोट है, एक पेडल बोट है, एक मोटर बोट है, पेडल बोट एंड मोटर बोट। ओके, तो ये टेबल के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करने हैं। अब टाइम टू रिटर्न, अब उनके घर आने का टाइम हो गया है, रिटर्न आने का। तो चिल्ड्रन एंजॉय डिफरेंट बोट राइड्स टिल 4 o'clock, 4 बजे तक उन्होंने ये बोट राइडिंग एंजॉय की। इट इज टाइम टू डिनर, अब वो घर आने वाले हैं। नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours, अब वो कहीं पे भी रुकेंगे नहीं। अब 4 बजे तक उन लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया, वो 2 घंटे में घर आ जाएंगे। तो कितना बजेगा, तो देखो 4 o'clock, मतलब 4 में अगर 2 घंटे बाद आएंगे तो कितने 6 o'clock तक वो लोग घर पे आ जाएंगे। कब आएंगे, 6 o'clock तक वो घर पे आ जाएंगे। ओके, सो आई थिंक हाँ यहाँ पे ये चैप्टर हो जाता है आपका फिनिश। ओके, सो ये चैप्टर का आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो वो आपको समझ में आए और आप उसे पूछ भी सको। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।